दोस्तों, शो में अब्दुल का किरदार निभाने वाले शरद सांकला इस शो से 15 सालों से जुड़े हैं और इसी की बदौलत उनकी किस्मत आज चमक उठी है। शो के हर किरदार के बारे में जानने में फैंस को काफी दिलचस्पी होती है क्योंकि रील से हटके इनकी रियल लाइफ काफी जुदा है और इसके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसा ही एक किरदार है अब्दुल का, जिसे सालों से शरद सांकला निभाते आ रहे हैं। पिछले 15 सालों से शरद इस रोल को निभाकर न सिर्फ गोकुलधाम वालों के फेवरेट बने हैं बल्कि सभी के दिल में खास जगह बना चुके हैं। वहीं यही वो किरदार है जिससे शरद की किस्मत ही चमक गई है। जी हाँ, भले ही शो में अब्दुल यानी शरद सांकला जनरल स्टोर चलाते हों, लेकिन असल जिंदगी में वो दो दो रेस्टोरेंट के मालिक हैं। उनका एक रेस्टोरेंट पार्वे पॉइंट जुहू तो दूसरा चार्ली कबाब मुंबई के अंधेरी इलाके में चल रहा है, जहां से वो अच्छी खासी कमाई भी करते हैं। शरद सांकला के मुताबिक एक्टिंग से उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, लेकिन चलता शो कब बंद हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसी वजह से उन्होंने खुद के बिजनेस में पैसे लगाए हैं। शरद सांकला टीवी से लेकर फिल्मों तक में काम कर चुके हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद रिवील किया था कि उनकी पहली सैलरी सिर्फ 50 रुपए थी। 90 के दशक में आई फिल्म वंस में उन्हें बेहद छोटा सा रोल निभाया था। इसके बाद उन्होंने कई सालों तक छोटे मोटे किरदार मिलते रहे। हालांकि करियर के 10 साल बाद एक ब्रेक लिया, उन्हें काम मिलना बंद हो गया, जिससे उनके सामने बड़ी दिक्कत आ गई थी। लेकिन 2008 में जब उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऑफर हुआ तो देखते ही देखते उनकी किस्मत ही बदल गई। आज ऐसा कौन है जो शरद सांकला को नहीं जानता है और उनकी एक्टिंग को पसंद ना करता हो। उन्होंने कई सालों तक छोटे मोटे किरदार मिलते रहे। हालांकि करियर के 10 साल बाद एक ब्रेक लिया, उन्हें काम मिलना बंद हो गया, जिससे उनके सामने बड़ी दिक्कत आ गई थी। लेकिन 2008 में जब उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऑफर हुआ